इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर आप सीएससी यूज़र है तो फार्मा रजिस्ट्रेशन करने का दोस्तों फिर से दोबारा सुजोग आ चुका है। हमको पीएम किसान का फार्मा रजिस्ट्रेशन करके कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आज इस वीडियो में कुछ जानकारी आपको ऐसे देंगे, जैसे कि आप पीएम किसान का सम्मान निधि का अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रही है तो कैसे करेगा, और अगर आप सीएससी वाली है तो आपको तो कुछ बात बोलने के लिए ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि अपना अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हम लोगों को एक लिंक शेयर किया है, जिसका मदद से हम पीएम किसान का जो फार्मर रजिस्ट्रेशन होता है, केवाईसी होता है, कर पाएंगे। लेकिन आज हम लोग दोस्तों प्रैक्टिकली बात करेंगे, आप किस तरह पीएम किसान में, तो जो आपका पीएम किसान जो पोर्टल होता है किस तरह लॉगिन करेगा। तो दोस्तों इस जो वेबसाइट है, अगर आपको नहीं मिला है अभी तक, तो आपको अगर चाहिए तो आप हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकती है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे न्यू फार्मा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हमारा साफ साफ ऑप्शन दिया है, फार्मा रजिस्ट्रेशन एडिट फार्मा डिटेल्स कैन द वेरिफिकेशन स्टेटस मेक पेमेंट बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन आ गया है, स्टेटस सर्विस फार्मा रजिस्ट्रेशन फार्मर रिपोर्ट। दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट भी दे सकती है कंपनी को, जो पीएम किसान का ऑफिशियल साइट कस्टमर टीम है वहाँ पे आप रिपोर्ट भी दे सकती है, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। जब दोस्तों फार्मर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ टाइम लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद दोस्तों आपका सामने कुछ टाइम तो आपको क्या करना है, हमारा गूगल में आ जाना है। जैसे गूगल में हम लोग आ चुका है, यहाँ पे हमको सैंपल क्या लिखना है, डिजिटल अशोक स्टोर, जैसे कि हम लिख देंगे यहाँ पे डिजिटल अशोक स्टोर, यहाँ पे आपको आ जाना है। आने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर में जो लिंक आएगा वही लिंक आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सैंपल आपको क्या काम करना है, अब दोस्तों हमारा आर्टिकल यहाँ पे आ चुका है, आर्टिकल को थोड़ा वॉच करना है, क्योंकि दोस्तों वॉच इसीलिए करना है क्योंकि यहाँ पे हमारा आधार सेवा केंद्रों का मोबाइल नंबर कैसे लिंक किया रहे, कैसे आप कोविन का जो एक्सेल फाइल है कैसे डाउनलोड करें, डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल का रेशन कार्ड का जो एक्सेल फाइल है वो कैसे डाउनलोड करेगा, इसके बारे में यहाँ पे पूरा आर्टिकल छपा के रखा है, आर्टिकल दे के रखा हूँ पूरा। अब इस ए टू जेड आप यहाँ से एयरटेल का बारे में भी काम कर सकते, बिल्कुल सुरक्षित, कोई भी अनलीगल नहीं है, मेरा खुद का एक वेबसाइट है दोस्तों, आप इसमें आके पूरा विजिट करके देख सकती है। दोस्तों अभी हम मुद्दे का बात करने के लिए जाएंगे, जैसे कि हम घूमेगा, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों हमारा एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट का परिचय आप लोगों को मैं कर देंगे, इसमें आपको सैंपल लिखना है डिजिटल अशोक स्टोर, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे लिखना है डिजिटल अशोक स्टोर, लिखने के बाद आप गूगल में इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर में है हमारा डिजिटल अशोक स्टोर .com, यहाँ पे आपको सैंपल क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारा कंपनी के बारे में नॉलेज मिलेगा, जिसमें दोस्तों नॉलेज ये है, अगर आप बैंकिंग पॉइंट लेना चाहता है, कोई आप ब्रांच खोलना चाहता है सीएसपी लेकर, तो आप यहाँ पे जाके दोस्तों पूरा जानकारी ले सकती है हमारा यूट्यूब चैनल के बारे में, हमारा आर्टिकल के बारे में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग पूरा ए टू जेड जो डिटेल्स वगैरह होता है हम यहाँ पे पोस्ट किया है। तो रिसेंटली दोस्तों हम एक वीडियो पोस्ट किया है, आप किस तरह पीएम किसान में ई केवाईसी कर पाएगा, इसके बारे में हम यहाँ पे एक रिसेंटली पोस्ट दिया है। इस पोस्ट की मदद से आप यहाँ पे लिंक क्लिक करेगा तो आप डायरेक्ट आ जाएगा इस लिंक पर, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे फार्मर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकती होम अबाउट दिस स्कैम, यहाँ पे तो हिंदी वर्सन आएगा, इंग्लिश वर्सन आएगा, तो मेरा ऑलरेडी हिंदी इंग्लिश वर्सन है। यहाँ पे आपको गाइडलाइन आएगा, ऑपरेटर गाइडलाइन, एडमिनिस्ट्रेटर ऑपरेटर गाइडलाइन, सर्टिफिकेशन और ऑपरेटर गाइडलाइन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप दोस्तों बहुत सारा गाइडलाइन, आपको पीएम किसान का जो गाइडलाइन होता है कैसे आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बारे में इस जगह में पूरा आर्टिकल दिख रहा है कंपनी ने, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट मिलेगा, लॉगिन मिलेगा, एफटीओ लॉगिन, सीएससी लॉगिन, दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है। लेकिन हमको यहाँ पे सैंपल सर्च करना है हमारा आधार नंबर डाल, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक आधार नंबर डालता हूँ, आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे सैंपल क्या करेंगे, सर्च बार में क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ तक हमारा सर्विस सिस्टम जो है बड़ा बोर है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देख सकते घूम रही है, और तो हमारा एक आधार नंबर डाला है जिस आ चुका है इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो दोस्तों आप यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर डालो, लेकिन यहाँ पे बता रहा है सबसे आधार नंबर डालने के लिए जो आधार में रजिस्टर है। चलिए मैं यहाँ पे एक नंबर कोई भी डाल देता हूँ। डालने के बाद गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे, हमारा मोबाइल में दोस्तों एक ओटीपी आएगा, जो ओटीपी आपको वन टाइम होगा वो चार डिजिट का नंबर आएगा। तो यहाँ पे यहाँ तक दोस्तों हम ओटीपी को डाल दिया है, तो जब तक ओटीपी नहीं आएगा तब तक तो हमको वेट करना ही पड़ेगा। तो वेट करने के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को यही वीडियो में यही बताएंगे कि आया है, बाद में सबमिट करेंगे।
जब दोस्तों हम सबमिट करेंगे तो यहाँ तक दोस्तों हमारा जो काम है बराबर हो रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकती है ये जो पीएम किसान का जो साइट है यहाँ पे हमारा यहाँ तक लॉगिंग हो रही है। तो देखेंगे एक जो वेबसाइट है प्रॉपरली बोल तो रेडी हुआ कि नहीं हुआ है, काम करने का लायक है कि नहीं है, कि प्रॉपरली होना चाहिए पीएम किसान जो हम लोग कर रही है। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकती है यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे बता रहे कैप्चर ई केवाईसी, कैप्चर फॉर ई केवाईसी मोरपो डिवाइस, कैप्चर फॉर ई केवाईसी मंत्रा। दोस्तों यहाँ तक हमारा जो सिस्टम है बराबर ओपन हो रही है, ठीक है। लेकिन चलिए हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे मंत्रा से, जो भी हमारा मंत्रा डिवाइस है। और यहाँ पे दोस्तों मंत्रा डिवाइस हम लोग इंस्टॉल बोल तो ऑलरेडी लॉगिंग करके रखा है। यहाँ पे बता रहा है नेटवर्क एरर फेल टू एक्साइटेड एक्सटीमल बता रहा है। तो चलिए मैं यहाँ फिर से क्लिक करूँगा और ई केवाईसी में क्लिक करेंगे और लोकेशन भी हमारा अलाउ है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है लोकेशन अलाउ है कि नहीं है। तो यहाँ पे यही बता रहा है नेटवर्क एरर बता रहा है, तो नेटवर्क भी बहुत अच्छा है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हो सकती है कुछ प्रॉब्लम अभी सर्वर का एरर आ सकती है, क्योंकि ये जो सर्वर है सीएससी को मिला है तो मेरा हिसाब से बहुत अच्छा मिला है, और सीएससी जो कॉमन सर्विस सेंटर वाला है उसको अच्छा से काम भी मिलेगा। तो यहाँ पे फिर और एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ तक हमारा जो जानकारी है मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, क्योंकि अभी तक प्रॉपरली यहाँ पे काम नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकती है नेटवर्क एरर फेल टू एक्सेप्ट एक्सकट सेंट ऑन एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट फेल टू लोड टू लोकल होस्ट। यहाँ पे दोस्तों इस तक हमारा हो है, ठीक है। यहाँ पे चले कैप्चर केवाईसी में क्लिक करेंगे तभी दोस्तों यहाँ पे हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ तक हमारा लॉगिंग हो रहा है कोई बात नहीं है। जब तक हमारा लॉगिंग हो रहा है ना, यहाँ तक हमारा लॉगिंग होगा तो बस इतने हमको चाहिए। और कुछ दिन के बाद शायद दोस्तों ये जो हमारा तीन ऑप्शन दिया है यहाँ पर तीनों ऑप्शन में काम होगा। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे कैप्चर फॉर ई केवाईसी, इसमें दोस्तों स्टार्टेक का काम होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों स्टार्टेक का काम होगा, यहाँ पे दोस्तों मोरपो डिवाइस का काम होगा। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहा है पहले तो ये ऑप्शन नहीं था, पहले दोस्तों दूसरा था। यहाँ पे देख पा रहा है ई केवाईसी मंत्रा से आप यहाँ पे ई केवाईसी कर सकती है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना दोस्तों। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करके धन्यवाद। बाय।